हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर रणवीर और दीपिका के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, रणवीर और दीपिका ने वेकेशन फोटो शेयर कर सेट किए कपल गोल्स, नहीं हटा पाएंगे आप नजर। तो चलिए देखते हैं। तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हाल ही में एक वेकेशन से लौटे हैं। एयरपोर्ट पर इस प्यारे से बॉलीवुड कपल के हाथ में हाथ डाले स्पॉट किया गया था। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपना 37वां जन्मदिन मनाया। अपने इस जन्मदिन को रणवीर सिंह ने लेडी लव दीपिका पादुकोण के सेलिब्रेट किया है। दीपिका और रणवीर दोनों ने हाल ही में एक वेकेशन कम सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया है। इस फोटोज में दोनों झील किनारे काफी मस्ती करते नजर आई दे रहे हैं। लवी डवी पोज को दोनों बेहद क्यूट लग रहे हैं। रणवीर सिंह ने कुछ वीडियो को भी शेयर किया है जिसमें वह भी पानी में खेलते और उसमें जंप करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं दीपिका भी उनके साथ पानी में छप छप करती दिख रही हैं। वहीं एक फोटो आपका ध्यान खींच लेगी जहां दोनों साइकिल पर स्टंट करते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, वेकेशन पर कपल ने जमकर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। रेत पर पैरों के छाप बनाने से लेकर साइकिलिंग तक ही नहीं, एक वीडियो में झील किनारे बैठे रणवीर दीपिका को मैन वर्सेज वाइल्ड के नए एपिसोड में वेलकम करने का मिमिक करते दिख रहे हैं। रणवीर और दीपिका के बीच प्यार की शुरुआत संजय लीला भंसाली की फिल्म में गोलियों की रसलीला राम लीला से शुरू हुई थी। कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 14 नवंबर 2018 को शादी कर ली थी। तो रणवीर और दीपिका के वेकेशन पोस्ट पर फैंस ही नहीं, सेलेब्स में जमकर कमेंट आ रहे हैं। रकुल प्रीत, सोफी चौधरी और अली अबराम जैसे कई सेलिब्रिटी ने कमेंट कर अपना प्यार शो किया है। वहीं फैंस तो दीपिका रणवीर से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। वर्क फ्रेंड की बात करें तो जहां दीपिका पादुकोण आने वाले दिनों में फिल्म सपना दीदी और द रिटर्न और प्रोजेक्ट के नजर में आएंगी, वहीं रणवीर सिंह रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, दीपिका और रणवीर काफी अच्छा वेकेशन में टाइम स्पेंड करके आए हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। तो ऐसी सारी बॉलीवुड न्यूज चैनल जानने के लिए अपने बॉलीवुड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू।